अब केवल आप वही बिंदु बताइए जो आपको लगता है कि टीचर के लिए कवर नहीं हुआ है अभी तक। आज शिक्षक को आज के इस बदलती हुई परिस्थिति में आज जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी की चुनौतियां आई हैं, वेब 3.0 से वेब 4.0 तक और 4G से 5G से तक और विंडोज 13 जो आ रहा है, बहुत अच्छा। इसने जो चुनौतियां खड़ी की हैं, इसके साथ शिक्षक को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ समायोजित अलाइन करना होना हो। एक पड़ेगा। लाइन में कहूंगा कि गुरु गूगल दोनों पढ़े काको लागू पाओ। बहुत इस पर बढ़िया। हमें पीछे देखना। लास्ट उस साइड। हाँ मैं अभी आपके पास भी आता हूँ उस साइड। कृपया संक्षेप में पुट टू द पॉइंट। मेरा नाम अजय जांगड़ा है, मैं UIT एक क्षेत्र विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरी दो चिंताएं हैं, एक तो टू बी इंटरनेशनल कैरेक्टर। मेरे इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो 200% है। हर बच्चे के पास कम से कम दो नौकरी जो है, उस नजर से हम तो बड़े खुश हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि जो हमने उनको एजुकेशन पढ़ाई है, जो आगे वो PhD IMS करने के लिए जाते हैं, दे प्रेफर फॉर फॉरन स्टडीज, बाहर जाना चाहते हैं, और हम लोग उनको ये समझा नहीं पा रहे कि तुम जा रहे हो बाहर पढ़ने के लिए, कि अपॉर्चुनिटी है या ब्रेन ड्रेन है। अब एक तो एजुकेशन हम अच्छी दे रहे हैं और साथ में हमको खुद को नेशनल कैरेक्टर, जैसा सर ने बोला, हमको बच्चों को भी पढ़ाई के साथ भी नेशनल कैरेक्टर बनाना चाहिए। दूसरी बात, जिस भी कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं, चिंतन बाद में होता है, अगर हमारे ही विश्वविद्यालय में या कॉलेज में कोई छात्र डिप्रेशन हो के शायद कैसा काम कर सकता है, तो ये भी लानत है, जिम्मेदारी हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसका भाई साहब नमस्कार, डॉक्टर महेंद्र शर्मा, मैं भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, मैं शिक्षक भी हूँ चिकित्सक भी हूँ, मेरा दायित्व मुझे इस बात को कहता है कि अगर शिक्षा पद्धति इतनी महंगी हमने बना दी है और 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे करके रिश्वत दे करके अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो उसके बाद में अवमूल्यन की और संभावनाओं की जरूरत नहीं रह जाती है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। बाकी यही शिक्षक का दायित्व। जी बहुत धन्यवाद। जी वहाँ मैं केवल दो ही प्रश्न ले पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि 12 बजे का समय है इसको समापन का। सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन सिरसा से, और एक सेकंड लूंगा मैं आपका। शिक्षा पद्धति जो चल रही है, शिक्षक की भूमिका जो है रिजेक्ट होती जा रही है सोसाइटी से, उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि हमारी शिक्षा पद्धति ई लर्निंग की ओर जा रही है। हमारे स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं, एजुसेट से जोड़ रहे हैं, कहाँ रह गई है? शिक्षक बोध अपने दायित्वों से पूर्ण रूप से परिचित है, शिक्षक का रोल बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जो जैसे प्रोफेसर दया सिंह जी ने बताया था कि प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति हम पूर्ण रूप से अवगत हैं। शिक्षक शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जब बायोमेट्रिक आ गई हस्ताक्षर करने भूल गए, लिखना पढ़ना भूल गया, टीचर के पास स्टूडेंट्स आने से दूर क्यों रहे हो रहे हैं? ई लर्निंग की वजह से हो रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम की हो रहे हैं, आपके पास लेक्चर आ रहा है, घर में बैठे पढ़ रहे हैं। वो शिक्षक के पास स्टूडेंट आएगा तभी तो उसको मूल्यों का बोध होगा, शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, इस पद्धति की और जरूरत है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बड़े अच्छे अच्छे इश्यू उठाए हैं, और ये जब से सारे सहमत होंगे आप, जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है तब से तो जो और ज्यादा दूर होता जा रहा है, क्योंकि कोर करिकुलर एक्टिविटीज है जी, वो विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में घटती जा रही है। केवल धन्यवाद जी। महिला खड़ी डॉक्टर पूनम वधवा, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल मंडी डबवाली। अभी हम सब एक ही बात कर रहे हैं कि शिक्षक जो है उसे राष्ट्र निर्माता होना चाहिए, और हम श्री अरविंदो महर्षि ने कहा था कि शिक्षक जो है वो किसी भी संस्कृति का, किसी राष्ट्र की संस्कृति का चतुर माली होता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए मैं और मेरा परिवार इसकी परिधि से हमें बाहर निकल करके समाज के अंदर समय देना होगा, संपर्क करना होगा और संकल्प करना होगा कि मात्र हमें अपने महाविद्यालय के अंदर जितना समय देते हैं उसके बाद हम कितना समय समाज को दे सकते हैं, और वो भी अपना उदाहरण प्रस्तुत करके। इसके साथ एक बहुत जरूरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है, कि
विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्र प्रति गौरव का भाव जगाना, वो हम कैसे कर सकते हैं? आज सभी को मालूम है पाइथागोरस जो है थ्योरम, पाइथागोरस नाम से हम जानते हैं। क्या हम विद्यार्थियों को ये बता पाते हैं कि पाइथागोरस से पहले भी बोधायन ने इसका जो है वो इसको इसकी खोज की थी? क्या हम बता पाते हैं विद्यार्थियों को कि वैदिक गणित जो है ये कृष्ण भारती जो है उन्होंने इसका वो? तो इस तरह से हमारी अपनी संस्कृति की जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसके बारे में विद्यार्थियों को बता करके हम अपने राष्ट्र का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। बहुत ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व। धन्यवाद। आखिरी प्रश्न डॉक्टर विक्रम बंसल, उसके बाद मैं इससे। श्रीमान, मेरा नाम डॉक्टर शत्रुजीत है, नेशनल कॉलेज सिरसा से हूँ मैं। सर, ये जो दायित्व बोध है ये इतना गहन और गूढ़ विषय है कि पास का समाधान नहीं हो सकता। ये तय मानिए कि एक चीन की कहावत है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, सबसे पहले एक छोटा सा कदम उसकी तरफ उठ पड़ता है। तो सर, मेरा कहने का मतलब प्लीज ऐसी संगोष्ठी जो है वो समय समय पर आयोजित की जाए। ये सबसे बड़ा साधुवाद है, धन्यवाद है कि आपने ऐसी संगोष्ठी का आयोजन किया। और इसमें समय लगेगा सर, इसलिए सर ये एक मिनट का सवाल नहीं कि क्या किया जाए। मेरा कहने का मतलब इतना है कि हम लोग देखिए परिवर्तन अवश्यंभावी है। हम लोग प्राचीन समय से हमारी तुलना करते हैं, मैं चाहता हूं कि आधुनिकता और प्राचीन का संगम हो और उसके बाद में एक बहुत बढ़िया संयोजन निकल के आए। इसके लिए इस प्रकार की संगोष्ठी की अनेक संगोष्ठी की आवश्यकता है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। आखिरी प्रश्न डॉक्टर विक्रम। सर, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक लाइन में एक सुझाव है, टीचर से उसका इंटरेस्ट एरिया पूछ लिया जाए, स्टूडेंट से उसका इंटरेस्ट एरिया पूछ लिया जो शैक्षणिक से विभिन्न हो। किसी टीचर का इंटरेस्ट एरिया कुकिंग है तो बच्चों से पूछ लीजिए कुकिंग किसका है। एक टोली बना दी जाए, समाज से संपर्क भी हो जाएगा और वो टोली बहु मल्टीपल एक चेन बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। अभी हम कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स आपके तरफ से एक्सपेक्टेड है।